देखो भैया, शंकर जी पे कोई धन दौलत तो है नहीं। शंकर जी ठहरे एकदम पक्कड़ बाबा, किंतु उनका परम धन क्या है? उनका परम धन है भगवान की कथा। शंकर जी के पास ना तो कोई चाबी है, ना तो कोई भंड, कुछ नहीं है। हाँ, किंतु उनका परम धन क्या है? उनका परम धन है भगवान की कथा। हमारे वृंदावन में जो ब्रजवासी होवे ना, वो परिक्रमा मार्ग में बैठकर उनसे कहें, भैया तुम तो यहाँ दिन रात पड़े रहते हो, परिक्रमा मार्ग में है क्या तुम्हारे पास? जो कहते हो दिन रात ठाकुर जी की मौज है, मौज है, मौज है, तो वो फकीर कहता जो मेरे पास है वो तेरे पास नहीं। बोले क्या है तुम्हारे पास? कुछ तो नहीं दिख रहा। बोले मैं यहाँ पे रहने के बाद भी मौज में हूँ, और तू बंगले मकान मोटर गाड़ी में घूमने के बाद भी तू सदा बेचैन रहता। यही अंतर है हम दोनों में। शरीर तो एक सा है, कद काठी भी एक जैसी है, किंतु तू महल अट्टालिकाओं में रहने के बाद भी सुखी नहीं है, और मैं वृंदावन की परिक्रमा मार्ग में भिक्षाटन करने के बाद भी मेरी मौज है।